नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन अंडरग्राउंड माइंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें मूलतः टाइप्स ऑफ हॉलेज सिस्टम, रोप हॉलेज, ट्रेवलिंग रोडवेज एंड प्रोविजन रिलेटेड टू हॉलेज रोडवेज इन CMR 2017 एंड सेफ्टी फीचर्स इन हॉलेज सिस्टम पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन अंडरग्राउंड माइंस मूलतः दो तरह से किया जा सकता है, एक इंक्लाइन के थ्रू और दूसरा शाफ्ट के थ्रू। आज इस वीडियो में हम मूलतः इंक्लाइन के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अंडरग्राउंड माइंस में होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये मूलतः दो तरीके से किया जा सकता है, एक ट्रैक माउंटेड हॉलेज सिस्टम और दूसरा ट्रैकलेस हॉलेज सिस्टम। ट्रैकलेस हॉलेज सिस्टम में कन्वेयर, जो अभी वाइडली यूज हो रहा है, व्हील माउंटेड मशीन्स के थ्रू भी हो सकता है एंड एरियल रोप वे के थ्रू भी हो सकता है, और भी काफ़ी इसमें टाइप्स हैं। इनके बारे में इस वीडियो में आज चर्चा हम नहीं करेंगे, बाद में आने वाले वीडियोस में हम ट्रैकलेस हॉलेज सिस्टम के बारे में भी चर्चा करेंगे। आज मूलतः हम ट्रैक माउंटेड हॉलेज सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जिसमें मूलतः रोप हॉलेज पर चर्चा करेंगे। रोप हॉलेज में डायरेक्ट रोप हॉलेज, एंडलेस रोप हॉलेज, मैन एंड टेल रोप हॉलेज एंड ग्रेविटी रोप हॉलेज। दूसरा ट्रैक माउंटेड हॉलेज सिस्टम होता है लोकोमोटिव हॉलेज सिस्टम, जिसमें डीजल लोकोमोटिव होती हैं और बैटरी लोकोमोटिव भी यूज किए जाते हैं। एक बार पुनः देख लेते हैं, अंडरग्राउंड में मूलतः दो तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, एक इंक्लाइन के थ्रू, दूसरा शाफ्ट के थ्रू। इंक्लाइन के थ्रू भी दो तरीके से किया जा सकता है, एक ट्रैक माउंटेड हॉलेज सिस्टम, दूसरा ट्रैकलेस हॉलेज सिस्टम। ट्रैक माउंटेड में रोप हॉलेज एंड लोकोमोटिव हॉलेज मूलतः होता है। आगे बढ़ते हैं, रोप हॉलेज। रोप हॉलेज भारत के कोयला माइंस में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। इसके पीछे रीजन है कि रोप हॉलेज फ्लेक्सिबल होता है, ये इजी टू इंस्टॉल होता है, लेस कैपिटल इंटेंसिव होता है एंड डील विद एनी ग्रेडियंट, सुटेबल फॉर लो टू मीडियम आउटपुट। देख लीजिए एक बार फिर से कि रोप हॉलेज फ्लेक्सिबल होता है, लेस कैपिटल इंटेंसिव, डील विद एनी ग्रेडियंट, हैंडल एनी जियो माइनिंग कंडीशंस। किसी भी प्रकार का जियो माइनिंग कंडीशन अगर डिफिकल्टीज आएगी, ग्रेडियंट में किसी प्रकार का इरेगुलर चेंज भी आएगा, तो भी उसको ये हॉलेज सिस्टम डील कर लेता है। सुटेबल फॉर लो टू मीडियम आउटपुट, इससे हाई आउटपुट की उम्मीद हम नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, ये एक रोप हॉलेज सिस्टम है, इसमें ये सेट ऑफ टब है, एक एंड हमेशा सेट ऑफ टब से कनेक्ट होगा, दूसरा एंड हॉलेज सिस्टम से कनेक्ट होगा या ड्रम से कनेक्टेड होगा। ठीक है, ये देखिए, ये रोप कपल है और ये ट्रैक सिस्टम है, ये एक्सल है और ये टब है, जिनकी कैपेसिटी मेनली 1 से 2.5 टन तक भारतीय कोल माइंस में यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ रोप हॉलेज। रोप हॉलेज मुख्यतः 4 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट रोप हॉलेज, मैन एंड टेल रोप हॉलेज, एंडलेस रोप हॉलेज एंड ग्रेविटी रोप हॉलेज। डायरेक्ट रोप हॉलेज में सिंगल ड्रम डायरेक्ट हॉलेज, डबल ड्रम डायरेक्ट हॉलेज एंड एंडलेस रोप हॉलेज में अंडर रोप, एंडलेस रोप हॉलेज एंड ओवर रोप, एंडलेस रोप हॉलेज। इस वीडियो में मुख्यतः हम डायरेक्ट रोप हॉलेज के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद उसके सेफ्टी फीचर्स की बात करेंगे और उसके बाद ट्रेवलिंग रोडवेज की बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, सिंगल ड्रम डायरेक्ट हॉलेज। डायरेक्ट हॉलेज 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल ड्रम और डबल ड्रम। हम अभी बात करते हैं सिंगल ड्रम की। सिंगल ड्रम में क्या होता है कि ये एक सेट ऑफ टब होता है एंड एक इसमें एक ड्रम होता है एंड एक मोटर। ठीक है, तो ये रोप के सहारे, रोप का एक एंड सेट ऑफ टब से कनेक्ट रहेगा और दूसरा ड्रम से, एंड ये बहुत इजी सिस्टम हो गया। ठीक है, तो इट इज अ
placed system of the rofoles, having one drum connected to a motor through gear. एक ड्रम होता है, एक मोटर होता है, connected through a gear. Only one track required and rope length is equal to the haulage roadways length. Roadways का जितना length होगा उतना ही इस rope का भी length होगा. One end of the rope is connected with set of tubs and another is fixed at drum. एक यहाँ fix किया जाएगा set of tub पे, एक end rope का दूसरा tub पे किया जाएगा, दूसरा sorry drum पे किया जाएगा. Gradient steeper than 1:12. Speed approx 8-12 km per hour. इसमें मूलतः स्पीड 8-12 किलोमीटर प्रति घंटा होती है. आगे बढ़ते हैं, इसके एडवांटेज क्या है. ये इजी टू इंस्टॉल है, इजी टू एक्सटेंड रेल. जब कभी भी जरूरत पड़ेगी एक्सटेंशन की, रेल को ट्रैक को एक्सटेंड करने की, तो बहुत आसान है इस सिस्टम में. ब्रांचिंग पॉसिबल इफ ग्रेडियंट इज सूटेबल. ब्रांचिंग पॉसिबल का क्या मतलब है, ये ट्रैक लाइन है सपोज, एंड ये बोर्ड एंड पिलर माइनिंग है, ये पिलर्स हैं, अगर सपोज ये मेन होलेज है, डायरेक्ट रोप होलेज है, और आप चाहते हैं कि इसका यहाँ से यहाँ भी करना चाहें, आपका मान लीजिए 5 फेस चल रहा है, यहाँ भी मशीन है, एसडीएल है, यहाँ भी एसडीएल है, यहाँ भी एसडीएल है, यहाँ भी एसडीएल है, तो इसमें आप ब्रांचिंग कर सकते हैं और डायरेक्ट फेस से लोडिंग कर सकते हैं. ठीक है, तो ये ब्रांचिंग इसमें पॉसिबल है, समझ में आ गया होगा. ऑपरेशन बहुत सिंपल है, ओनली वन ट्रैक नीडेड सो इजी टू मेंटेन ट्रैक. इसमें सिर्फ एक ट्रैक की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, तो इजी टू मेंटेन रहता है. डिसएडवांटेज क्या है कि टब्स का डिरेलमेंट होने की संभावना ज़्यादा रहती है, और जब कभी भी ये होल आउट होगा, जब कभी भी रेजिंग टब्स को रेज किया जाएगा, तो होलेज में पावर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी और इफ़िशियंट ब्रेकिंग सिस्टम रिक्वायर्ड. इसका क्या मतलब हुआ कि जब कभी भी होल इन होगा, जब कभी भी इम्पटी टब लोअर किए जाएंगे, उस केस में ये ग्रेविटी की हेल्प से लोअरिंग होती है, और अगर मान लीजिए कहीं ज़रूरत पड़ती है स्टॉप करने की टब्स को, तो उनका ब्रेकिंग सिस्टम इफ़ेक्टिव होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ताकि जहाँ चाहो वहाँ आप टब्स को रोक सको, मोमेंट को स्टॉप कर सकें. आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से देख लीजिए सिंगल ड्रम डायरेक्ट होलेज. इसमें क्या होता है, एक सेट ऑफ टब हुआ एंड दूसरा ड्रम हुआ, एक रोप होता है जिसका लेंथ रोडवे होलेज रोडवेज के इक्वल होता है, और उसका एक सिरा टब से कनेक्टेड होगा, दूसरा सिरा ड्रम से कनेक्टेड होगा. इसमें एक मोटर यूज होती है एंड ये इसका ग्रेडियंट स्टीपर देन 1:12 होना चाहिए. स्पीड अप्रोक्स 8-12 किलोमीटर पर आवर होती है. इसके एडवांटेज क्या है, इजी टू इंस्टॉल है, इजी टू एक्सटेंड रेल्स है, ब्रांचिंग पॉसिबल इफ ग्रेडियंट इज सूटेबल, सिंपल ऑपरेशन है, ओनली वन ट्रैक नीडेड सो मेंटेन, इजी टू मेंटेन ए ट्रैक. डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, efficient braking system requirement होती है at the time of lowering, high power required in upward motion and frequent derailment possible, जिससे production का क्षति हो सकता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. double drum direct haulage, इसमें क्या होता है साथियों, इसमें दो drums होते हैं, दो ही rope होंगी और दो ही track होंगी, but एक motor होगा, motor एक होगा. ठीक है, ये एक पहला ड्रम हुआ, ये दूसरा ड्रम, ये मोटर हो गया. ठीक है, गियर के थ्रू कनेक्टेड हो गया, और इसमें ट्रैक भी दो होंगे, एक ट्रैक ये हो गया
दूसरा ट्रैक ये हो गया, ठीक है। तो ये मान लीजिए लोडेड टब है, ठीक है, और ये रोप है, यहाँ से रोप कनेक्टेड हो गया और ये ड्रम से फिक्स हो गया, ठीक है। ये मान लीजिए खाली टब है, सेट ऑफ टब, इसका भी एक सिरा यहाँ टब से कनेक्ट हो गया, दूसरा ड्रम से कनेक्टेड हो गया। ठीक है, जब कभी भी ये बॉटम सेक्शन में, जब लोडेड टब बॉटम में होंगे तो इम्पटी होंगे टॉप में, ये एक साथ इनका मोमेंट होता है, ये जब ऊपर आ रहे होंगे तो ये इम्पटी टब नीचे लोअर कर दिए जा रहे होंगे, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं, टू ड्रम्स टू रोप टू ट्रैक बट वन ड्राइविंग मोटर, दो ड्रम दो रोप्स दो ट्रैक, ये इसमें रिक्वायर होता है। वन एंड ऑफ ईच रोप इज कनेक्टेड विद टू ड्रम्स एंड अनदर एंड ऑफ वन रोप कनेक्टेड विद सेट ऑफ इम्पटी टब एंड अदर रोप एंड ऑफ रोप कनेक्टेड विद लोडेड टब, समझ में आ गया होगा। वन सेट ऑफ टब से लोडेड एट बॉटम ऑफ द इंक्लाइन, अगर लोडेड टब यहाँ है बॉटम में, देन अनदर सेट ऑफ टब एट द टॉप ऑफ इंक्लाइन, तो अनदर कहाँ होगा, टॉप ऑफ इंक्लाइन। वेयर ड्रम रोटेट्स द रोप कोइल ऑन वन ड्रम एंड अनकोइल फ्रॉम अनदर ड्रम, एक पे अनकोइल होगा रोप और दूसरे पे कोइल किया जाएगा। इंक्लिनेशन मोर देन 1:12, स्पीड 8-12 किलोमीटर, इसके एडवांटेज क्या है, हायर आउटपुट, कम समय में आपका का इम्पटी टब लोअर भी हो रहे हैं और उसी समय में रेजिंग भी हो रहा है, तो हायर आउटपुट होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। ब्रांचिंग पॉसिबल इफ ग्रेडियंट इज सुटेबल, ब्रांचिंग के बारे में हमने आपको बता दिया है। डिसएडवांटेज क्या, वाइडर रोडवे रिक्वायर्ड, इसमें क्या होगा, दो ट्रैक की जरूरत पड़ेगी, तो आपका रोडवे का विड्थ ज़्यादा जरूरत होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंट डिरेलमेंट पॉसिबल, डिरेलमेंट हो सकता है। एफिशिएंट ब्रेकिंग सिस्टम रिक्वायर्ड, अगर इसमें भी लोअरिंग के समय ब्रेकिंग सिस्टम एफिशिएंट होना चाहिए, क्योंकि ये भी ग्रेविटी की हेल्प से ही लोअर होते हैं, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए, डबल ड्रम सिस्टम में क्या हो गया, दो ड्रम हो गया, दो रोप हो गया एंड दो ट्रैक हो गया और एक मोटर हो गया, पावर सेव होगा इससे, और ये इंक्लिनेशन 1:12 से ज़्यादा होना चाहिए और स्पीड 8-12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, सिंगल ड्रम से हम इससे ज़्यादा आउटपुट कर सकते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज मेनली क्या हो गया, उससे सिंगल ड्रम से इसमें वाइडर रोडवे की जरूरत पड़ेगी और रेल मेंटेनेंस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि दो रेल हो जाएंगी तो यहाँ रेल मेंटेनेंस भी बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब होलेज रोडवे में के बारे में CMR कोल माइन रेगुलेशन 2017 में क्या क्या प्रोविजंस हैं और कौन कौन सी सेफ्टी डिवाइसेस होलेज सिस्टम में लगाई जाती हैं। रोडवेज शुड बी ऑफ एडवोकेट डायमेंशन एंड एज फार एज प्रैक्टिकेबल शैल बी स्ट्रेट एंड ऑफ रेगुलर ग्रेडियंट। जब कभी भी होलेज रोडवे, कोशिश की जाएगी कि वो हमेशा स्ट्रेट रहें और रेगुलर ग्रेडियंट में रहें, और हैव ट्रैक प्रॉपरली लेड विद रेल ऑफ एडवोकेट साइज। द लेंथ ऑफ रेल यूज नॉर्मली 5.4 मीटर, 7.3 मीटर एंड 9.1 मीटर डिपेंड ऑन कंडीशन ऑफ ईच पार्टिकुलर माइन। इंडिया में मेनली ये तीन साइज की रेल्स यूज होती हैं और ट्रैक का गोज लेंथ होता है 0.6 मीटर और टब की कैपेसिटी 1-2.5 टन कैपेसिटी। जनरली इंडियन माइंस में कोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए यही होले सिस्टम यूज किया जाता है। नो पर्सन शैल गाइड और एडजस्ट ए मूविंग रोप ऑन टू ए ड्रम पुली सीव रोलर एक्सेप्ट विद लीवर और अदर प्रॉपर अप्लायंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्टॉप ब्लॉक एंड रनवे स्विच, ये जो आप देख रहे हैं ये स्टॉप ब्लॉक है,
मान लीजिए जब कभी भी टब, ये इसका देखिए, एट द टॉप ऑफ एवरी इंक्लाइन एटलीस्ट वन स्टॉप ब्लॉक टू अरेस्ट टब्स, एक स्टॉप ब्लॉक हर इंक्लाइन के टॉप पे देना जरूरी है। इसमें क्या है, ये कैसे काम करता है, ये स्टॉप ब्लॉक है, इसमें ये लेवर है, इसमें कैसे काम करता है, जब कभी भी कोई टब अनकंट्रोल वे में लोअर हो जाता है तो उस केस में आप देख रहे हैं पिस्टन ये हमेशा ट्रैक के ऊपर रहता है और ये यहाँ इसको अरेस्ट कर लेगा, इससे आगे जाने नहीं देगा और डिरेल कर देगा टब्स को। तो इससे नीचे जो भी काम कर रहे होंगे इस साइड में वो सेफ हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया स्टॉप ब्लॉक। अब रनवे स्विच की बात करते हैं। रनवे स्विच हो गया ये स्टॉप ब्लॉक के जस्ट नीचे होता है। ठीक है, रनवे स्विच बिलो द स्टॉप ब्लॉक एट ए डिस्टेंस ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ सेट ऑफ टब बट नॉट एक्सीडिंग द लेंथ ऑफ सेट ऑफ टब बाय मोर देन 10 मीटर। इसका क्या मतलब हुआ कि स्टॉप ब्लॉक के नीचे यहाँ कहीं मान लीजिए रनवे स्विच होगा। ठीक है, इस रनवे स्विच और स्टॉप ब्लॉक और रनवे स्विच के बीच का कितना दूरी होना चाहिए, मान लीजिए 10 टब यूज होते हैं आपके एक सेट में, किसी माइंस में 10 टब का एक सेट है। ठीक है, एक सेट का अगर हम लेंथ मान लीजिए इजी कैलकुलेशन के लिए 1 मीटर मान लें तो लेंथ हो गया 10 टब का 10 मीटर और कुछ बीच का 4 मीटर मान लीजिए ये मान लेते हैं तो टोटल 14 मीटर हो गया। ठीक है, 14 मीटर टब लेंथ, सेट ऑफ टब का लेंथ हो गया 14 मीटर। ठीक है, तो ये रनवे स्विच और स्टॉप ब्लॉक के बीच का दूरी 14 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए बट ये प्लस 10 मतलब 24 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 14 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए लेकिन 24 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। और ये है रनवे स्विच, इसमें देखिए ये स्टॉप ब्लॉक से कनेक्टेड रहता है और ये यहाँ से ये रेल थोड़ा सा ओपन रहता है। इसमें क्या है, जब भी टब अनकंट्रोल्ड वे में लोअर होंगे तो यहाँ ये डिरेल कर देगा और इसे जो नीचे में काम कर रहे होंगे जो लोग वो सेफ पोजिशन में होंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी स्टॉप ब्लॉक और रनवे स्विच के बारे में। अब बात करते हैं टब रीरेलर का, एट इंटरवल नॉट मोर देन 250 मीटर्स। ये एक टब रीरेलर है, ये क्या है, एक ऐसा अरेंजमेंट है जब कभी भी मान लीजिए यहाँ टब डिरेल हो गए तो इनको ऑटोमेटिक रीरेलमेंट करने का एक अरेंजमेंट है। आप इसे इस चित्र में देख सकते हैं, इनके अगर कभी कभी ये क्वेश्चन साहब से पूछा जा सकता है कि दो टब रीरेलर के बीच का दूरी कितना होता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो 250 मीटर से ज़्यादा दो टब रीरेलर के बीच का दूरी नहीं हो सकता है अकॉर्डिंग टू CMR 2017। ठीक है, ये पढ़ लेते हैं। सेफ्टी हुक जेजरेल टू परवेंट रनवे इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जेजरेल क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ दिस डिवाइस इज दैट टब ट्रेवलिंग एट नॉर्मल स्पीड पासेस ओवर सेक्शन ऑफ जेज ट्रैक नेगोशिएटिंग द बेंड रेडिली। ये क्या है कि एक ट्रैक होता है जिसमें थोड़ा सा ट्रैक को बेंड कर दिया जाता है, ठीक है, जब कभी भी नॉर्मल स्पीड से टब्स मूव करेंगे इस ट्रैक पे तो ये इस बेंड को नेगोशिएट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, जब कभी भी अबनॉर्मल स्पीड में यहाँ से मूव करेंगे तो ये इस टब को डिरेल करवा देगा और आपका होलेस सिस्टम रुक जाएगा। तो ये एक सेफ्टी हो गया फॉरवर्ड मोशन के लिए। अब है प्रोविजन ऑफ बैक स्टे प्रिवेंट द टब्स रनिंग बैक। ये एक बैक स्टे है, ये क्या है, लास्ट टब एट द टाइम ऑफ अपवर्ड मोशन, जब कभी भी अपवर्ड मोशन होगा उस टाइम में लास्ट टब पे उसके एक्सल में एक
बैक स्टे लगा दिया जाता है। ये क्या करेगा, अगर किसी भी केस में मान लीजिए कोई टब, दो टब के बीच का कनेक्शन खुल गया हो या फिर रोप ब्रेक हो गई हो, उस केस में ये बैक स्टे तुरंत टब को डिरेल कर देगा और इसके नीचे जो कोई भी काम कर रहा होगा उसे किस खतरा से बचा लेगा। ठीक है, ये बैक स्टे का प्रोविजन समझ में आ गया होगा। जब कभी भी अपवर्ड मोशन होगा तो बैक स्टे लास्ट टब में लगाया जाता है उसके एक्सल में, और ये इमीडिएट ही टब को वहीं का वहीं रोक लेता है। अब पढ़ते हैं ट्रांसमिटिंग सिग्नल। अगर कोई होलेज रोडवे का लेंथ 30 मीटर से ज़्यादा होगा तो वहाँ ट्रांसमिटिंग सिग्नल देना जरूरी है। ये कोड ऑफ सिग्नल्स कुछ बनाए हुए हैं डीजीएमएस द्वारा। अगर एक वन रैप होगा उसका मतलब स्टॉप होता है, टू रैप होगा तो मतलब लोअर करना है टब्स को, थ्री रैप होगा तो स्टार्ट करना है अपवर्ड मोशन के लिए, फोर रैप होगा तो होल आउट स्लोली मतलब रेजिंग कर देना है, ठीक है होल आउट। ठीक है, ए प्रिंटेड कॉपी ऑफ द कोड ऑफ सिग्नल इंक्लूडिंग एडिशनल सिग्नल इफ एनी शैल बी पोस्टेड। ये जो भी सिग्नल्स हैं कोड ऑफ सिग्नल्स, या इनको एक प्रिंटेड कॉपी में जहाँ कहीं भी ज़रूरत है अंडरग्राउंड में पूरे होलेज रोडवे में वहाँ इनको पोस्ट कर देना है। ठीक है, वन ओनली कंपेटेंट पर्सन और एन ऑफिशियल शैल गिव एनी सिग्नल। सिग्नल सिर्फ ट्रामर्स हुए जो कंपेटेंट पर्सन है या फिर कोई ऑफिशियल ही सिग्नल दे सकता है। सिग्नल वायर शैल बी सपोर्टेड ऑन इंसुलेटर एंड शैल नॉट बी एनर्जाइज्ड एट मोर देन 30 वोल्ट। 30 वोल्ट से ज़्यादा सिग्नल वायर्स एनर्जाइज नहीं होने चाहिए। सिग्नलिंग सर्किट टू बी इंट्रिंसिकली सेफ इफ सीम इज सेकेंड और थर्ड डिग्री। कोई भी सीम जब सेकेंड या थर्ड डिग्री होगा तो सिग्नलिंग सर्किट इंट्रिंसिकली सेफ होना चाहिए। इंट्रिंसिकली सेफ का क्या मतलब है, इक्विपमेंट सर्किट इज नॉट एबल टू जनरेट सफिशियंट हीट और स्पार्क टू इग्नाइट फ्लेमेबल गैसेस। जो इस सर्किट में इंट्रिंसिकली सेफ सर्किट का मतलब ये हुआ कि अगर कहीं सर्किट में हीट या स्पार्क होता है तो वो स्पार्क इतना कैपेबल नहीं होता है कि वो वहाँ प्रेजेंट फ्लेमेबल गैस में को इग्नाइट कर सके और एक्सप्लोड कर सके। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, अगर होलेज रोडवे 300 मीटर इसका लेंथ अगर 300 मीटर से ज़्यादा होगा तो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन देना ज़रूरी है। अगर ट्रेवलिंग रोडवे भी अच्छा नहीं है, खराब स्थिति में है, उस केस में भी टेलीफोनिक कम्युनिकेशन की डिमांड डीजीएमएस कर सकता है। प्रिवेंट टेलीफोनिक वायर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद अदर केबल एंड इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स। टेलीफोनिक वायर को दूसरी केबल और इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर से बचाना है। टेलीफोनिक कम्युनिकेशन सर्किट टू बी इंट्रिंसिकली सेफ इफ सीम इज सेकेंड और थर्ड डिग्री। इंट्रिंसिकली सेफ का मतलब हमने आपको बताया है कि कोई भी इक्विपमेंट और सर्किट में जो कोई भी स्पार्क अगर होता है तो वो स्पार्क इनकैपेबल होता है किसी भी फ्लेमेबल गैस को इग्नाइट करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैनहोल्स, मैनहोल्स क्या होता है, ये एक मान लीजिए ट्रैक है और ये बोर्ड एंड पिलर्स हैं। ठीक है, बोर्ड एंड पिलर माइनिंग है, डेवलपमेंट हो रहा है सपोज, तो यहाँ पिलर में एक ग्रूव बनाया जाता है जिसकी डेप्थ 1.2 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सपोज यहाँ मेंटेनेंस टीम है और रोप मोशन में है तो हर किसी को
ये मैन होल्स में अपना शेल्टर ले लेना है, ठीक है। इसी के लिए मैन होल्स प्रोवाइड करना ज़रूरी है और ये हर 10 मीटर के इंटरवल पर होने चाहिए, ठीक है। अगर ग्रेडियंट लेस देन 1:6 है उस केस में इसका इंटरवल 2 मैनहोल्स के बीच की दूरी 20 मीटर तक हो सकती है, ठीक है। अगर कहीं ये पॉसिबल नहीं है, मैनहोल्स को कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल नहीं है इतना कम इंटरवल पे, उस केस में रीजनल इंस्पेक्टर रिलैक्सेशन दे सकता है और कोई दूसरा इंटरवल भी डिसाइड कर सकता है, ठीक है। ये क्लीन और सेल बी केप्ट क्लीन एंड क्लियर, ये क्लीन होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। वाइट वॉश बोथ इनसाइड ऑन एंड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ नॉट लेस देन 0.3 मीटर अराउंड द अपर्चर, ये वाइट वॉश होने चाहिए और 0.3 मीटर तक वाइट वॉश होने चाहिए, उससे कम दूरी तक वाइट वॉशिंग नहीं होने चाहिए, ठीक है। एज फार एज प्रैक्टिकेबल ऑल मैन होल सेल बी प्रोवाइडेड ऑन वन साइड ऑफ द प्लेजर्ड वे, ये एक ही साइड में होने चाहिए जब तक पॉसिबल हो। एक्सेप्ट वेयर होलेज इज इफेक्टेड बाय मीन्स ऑफ एंडलेस रोप एंड चेन, व्हेनेवर द होलेज रोप इज इन मोशन एवरी पर्सन ऑन द होलेज रोडवे सेल बी टेक शेल्टर इन मैन होल। डायरेक्ट रोप होलेज में हमेशा जब कभी भी रोप मोशन में होगा उस केस में किसी भी आदमी को रोडवे में नहीं रहना है, वो हमेशा मैन होल्स में अपना शेल्टर लेगा। मैन होल्स की कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, उसकी हाइट हमेशा 1.8 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, डेप्थ 1.2 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए और विड्थ नॉट लेस देन 0.75 मीटर बट नॉट मोर देन 1 मीटर। मतलब क्या हुआ कि ये इसकी विड्थ 0.75 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए बट 1 मीटर से कम होनी चाहिए, ठीक है। 1 मीटर तक हो सकती है, 1 मीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। अगर इफ़ रोडवे हाइट इज़ लेस देन 1.8 मीटर देन फुल हाइट ऑफ रोडवे, अगर किसी रोडवे का हाइट ही 1.8 मीटर है या उससे कम है तो फुल हाइट के रोडवे की हाइट तक मैनहोल का हाइट होगा, ठीक है। ये आपको मैनहोल्स के बारे में सारा पता चल गया, एक बार फिर पता कर लेते हैं। मैनहोल्स का मतलब ये होता है कि कोई भी होलेज रोडवेज होगा उसके पिलर में आदमी के शेल्टर के लिए एक ग्रूव बनाया जाता है जिसे मैनहोल्स कहा जाता है और ये हर 10 मीटर के इंटरवल पे देना ज़रूरी है। अगर कहीं ग्रेडियंट 1:6 से ज़्यादा है तो वहाँ ये डिस्टेंस 2 मैनहोल्स के बीच की दूरी 20 मीटर भी हो सकती है। अगर रीजनल इंस्पेक्टर ये दूरी को कुछ और दूरी भी दे सकता है अगर ये 20 मीटर का या 10 मीटर का इंटरवल पॉसिबल नहीं होना संभव हो तब। एंड दिस सेल बी केप्ट क्लीन एंड क्लियर, और इसको वाइट वॉश करना है पूरे को और 0.3 मीटर तक के अपर्चर को भी वाइट वॉश करना है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा मैनहोल्स के बारे में। और इसका कंस्ट्रक्शन होगा 1.8 मीटर हाइट होगा, डेप्थ होगा 1.2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए और विड्थ 0.75 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए और 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एट ऑल प्लेस वेयर द टब आर कपल्ड एंड अनकपल्ड देयर शैल बी ए क्लियर स्पेस ऑफ नॉट लेस देन 1 मीटर बिटवीन द टब्स एंड वन साइड ऑफ द रोडवे एंड वेयर देयर आर टू और मोर ट्रैक ऑल्सो बिटवीन द एडजेसेंट ट्रैक। क्या मतलब हुआ? सपोज ये कपल्ड और अनकपल्ड एरिया है, ये एम्प्टी टब के लिए है और ये लोडेड टब के लिए, और ये पिलर है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि ये रोडवे का एक पिलर से इस ट्रैक के बीच में
का दूरी 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए और ये ट्रैक और इस ट्रैक के बीच का दूरी भी 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। बफर, बफर क्या होता है दोस्तों? अगर कोई ट्रैकवे है, ये ट्रैक है, ये होलेज है और सपोज ये पिलर्स हैं, दो यहाँ काम चल रहा है और लोडिंग यहाँ से हो रही है, ये SDL है यहाँ, ठीक है, यहाँ से लोडिंग हो रही है। और तो यहाँ क्या है, यहाँ रूफ और फ्लोर के बीच में एक बफर दे दिया जाएगा कि टब्स अनकंट्रोल्ड हो गया और यहाँ की बजाय यहाँ आगे आ गए तो ये यहीं इनको कैच कर लेगा बफर, और यहाँ जो कोई भी आदमी काम कर रहा होगा वो सेफ पोजीशन में होगा। ठीक है, बफर का मतलब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ दें, ये हमने पूरा होलेज रोडवेज के बारे में जाना और उसमें क्या CMR में उसके प्रोविजंस हैं उनके बारे में जाना, कौन कौन से सेफ्टी डिवाइसेस हैं जिनकी सहायता से हम होलेज सिस्टम से होने वाले खतरों को कम कर सकते हैं, इनके बारे में जाना। अब हम आगे ट्रेवलिंग रोडवेज के बारे में जानेंगे। प्रोवाइडेड इन इनटेक एयरवेज फॉर पर्सन टू ट्रेवल टू एंड फ्रॉम देयर वर्किंग प्लेस, ये सभी पर्संस जो माइंस में काम कर रहे हैं उनके लिए प्रोवाइड किया जाएगा। ये उनको पिट टॉप से उनके वर्किंग प्लेस तक जाने का सेपरेट रास्ता होगा। एवरी ट्रेवलिंग रोडवेज शैल बी नॉट लेस देन 1.8 मीटर इन हाई फॉर द इंटायर स्ट्रेच, इसकी ट्रेवलिंग रोडवेज की हाइट 1.8 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं इंक्लिनेशन 30 डिग्री से ज़्यादा होता है फ्रॉम हॉरिजेंटल, देन प्रोवाइडेड बी प्रोवाइडेड विद सुटेबल स्टेप्स और लैडर्स। क्या मतलब हुआ इसका? मान लीजिए ये ट्रेवलिंग रोडवे है, ठीक है, अगर इंक्लिनेशन हॉरिजेंटल से, ये इंक्लिनेशन 30 डिग्री से ज़्यादा होता है उस केस में, 30 से 45 डिग्री के बीच में अगर ये इंक्लिनेशन है उस केस में यहाँ स्टेप्स दे दी जाएंगे। ठीक है, अगर ये इंक्लिनेशन 45 डिग्री से बढ़ता है 60 डिग्री तक होता है उस केस में यहाँ एक हैंडरेल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर 60 डिग्री से ज़्यादा अगर ये एंगल बढ़ता है उस केस में एक हर 10 मीटर के बाद एक प्लेटफॉर्म बना दिया जाएगा। समझ में आएगा, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये ट्रेवलिंग रोडवे है, ये हॉरिजेंटल से इसका एंगल है, ठीक है, अगर ये एंगल 45 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में होता है तो इसमें सॉरी अगर ये 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में अगर ये एंगल होता है उस केस में यहाँ स्टेप्स दे दी जाएंगी। अगर ये एंगल 45 से 60 डिग्री के बीच में होता है उस केस में यहाँ एक हैंडरेल दे दिया जाएगा। ठीक है, अगर ये 60 डिग्री से, ये एंगल 60 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है उस केस में स्टेप्स रहेंगी, हैंडरेल्स रहेगा और उसके साथ में अगर ये 10 मीटर की दूर, हर 10 मीटर की दूरी पर इंक्लाइंड वे में ये लेंथ कैलकुलेट होगी तो वहाँ हर 10 मीटर पे एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। एक्सेप्ट फॉर द पर्पज ऑफ इंस्पेक्शन एग्जामिनेशन एंड रिपेयर एवरी पर्सन अदर देन एन ऑफिशियल और होलेज अटेंडेंट शैल बी ट्रेवल बाय ट्रेवलिंग रोडवे, कोई भी आदमी अगर अनऑथोराइज्ड है तो वो होलेज रोडवे से नहीं जा सकता है, सिर्फ ऑथोराइज्ड लोग ही
कॉलेज रोडवेज से जाएंगे, बाकी सबको ट्रेवलिंग रोडवेज से ही अपने वर्किंग प्लेस तक जाना है, ठीक है। वेयर पर्सन यूजिंग ए ट्रेवलिंग रोडवेज हैव टू क्रॉस ए कन्वेयर और ए हॉलेज वर्कड बाई मैकेनिकल मीन्स और ग्रेविटी, ए सुटेबल क्रॉस ओवर और क्रॉस अंडर ब्रिज और अदर सुटेबल डिवाइस अप्रूव्ड इन राइटिंग बाय रीजनल इंस्पेक्टर शैल बी प्रोवाइडेड। क्या मतलब हो? ये हॉलेज रोडवे है, सपोज ये ट्रेवलिंग रोडवे है, ये आपस में क्रॉस कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, ट्रेवलिंग रोडवे के लिए एक ओवरब्रिज बना दिया जाएगा ताकि सेफली जो भी ट्रेवलिंग से अपने वर्किंग प्लेस पे जा रहा है वो ओवरब्रिज से होते हुए अपने प्लेस पे चला जाए, उसे किसी प्रकार का हॉलेज से कोई खतरा नहीं होना चाहिए। दूसरा इसमें लिखा है, अगर वर्किंग प्लेस और पिट टॉप का दूरी 1 किलोमीटर से ज़्यादा होगा, 1 किलोमीटर से ज़्यादा होगा, और अगर ट्रेवलिंग रोडवे अच्छा नहीं है, उसका कंडीशन खराब स्थिति में है, उस केस में मैन राइडिंग सिस्टम का प्रोविजन लागू होगा। जिन किसी भी माइंस में अभी तक अगर उनका 1 किलोमीटर से ज़्यादा है ट्रेवलिंग रास्ता, तो उन्हें 1 साल के अंदर अंदर मैन राइडिंग सिस्टम लगा लेना है जब से ये रेगुलेशन फोर्स में आया है, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि पिट टॉप्स हैं, ये मान लीजिए पिट टॉप है और ये वर्किंग प्लेस है, अगर इसके बीच का दूरी ट्रेवलिंग रोडवेज के थ्रू 1 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो मैन राइडिंग सिस्टम उस माइंस के ओनर को वहाँ प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। एग्जामिनेशन ऑफ हॉलेज एंड ट्रेवलिंग रोडवेज, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ ए ओवरमैन और अदर कंपिटेंट पर्सन टू एग्जामिन केयरफुली वंस एटलीस्ट इन एवरी 7 डेज द स्टेट ऑफ ऑल हॉलेज एंड रोडवेज ट्रेवलिंग रोडवेज इंक्लूडिंग रोडवे लीडिंग टू ऑल द आउटलेट ऑफ द माइन विच आर इन यूज एंड रिपोर्ट ऑफ सच एग्जामिनेशन शैल बी रिकॉर्डेड इन ए बाउंड पेज बुक केप्ट फॉर द पर्पज एंड शैल बी साइंड एंड डेटेड बाई द पर्सन हु मेड द एग्जामिनेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि हॉलेज रोडवे और ट्रेवलिंग रोडवेज, इन दोनों का सप्ताह में 7 दिन में एक बार इंस्पेक्शन होना आवश्यक है और उस इंस्पेक्शन की रिपोर्ट किसी एक बाउंड पेज बुक में रिकॉर्ड की जाएंगी और जो इंस्पेक्शन अथॉरिटी होगा, जो पर्सन होगा, वो उस बाउंड पेज बुक में अपना इंस्पेक्शन रिपोर्ट दर्ज करने के बाद साइन करेगा और उसमें डेट डालेगा। तो थैंक यू साथियों, हमने मेनली डायरेक्ट रोप हॉलेज के बारे में चर्चा की और उसके बाद उसमें सेफ्टी फीचर्स, ट्रेवलिंग रोडवेज और CMR में जो भी ट्रेवलिंग रोडवेज और हॉलेज रोडवेज के बारे में जो प्रोविजंस हैं उनके बारे में चर्चा की। मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी मदद मिलेगी हॉलेज रोडवेज और अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन को समझने के लिए। धन्यवाद।